Friends, today we'll share how to use ChatGPT. ChatGPT is a tool which is almost equivalent to Google, like which is a better version of Google. So normally हम लोग गूगल सर्च में क्या करते हैं, सपोज सपोज मेरे पास एक क्वेश्चंस है, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लीन रूम्स एंड फार्मास्यूटिकल आइसोलेटर. आइसोलेटर एंड इफ यू कॉपी दिस क्वेश्चन एंड पुट इनटू द सर्च बार, इट विल जनरेट लॉट्स ऑफ लिंक, इंफॉर्मेशन लिंक विच कुड एबल टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, लाइक उसके बाद क्या करना है आपने को, मतलब जब सर्च किया यू विल गेट लॉट्स ऑफ लिंक एंड फ्रॉम दैट लिंक यू नीड टू फिगर आउट द इंफॉर्मेशन. आपको सर्च करना पड़ेगा, मीन्स आपको देखना पड़ेगा कौन से लिंक में कौन सा यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ये कितना काम में आ सकते हैं आपको. बट इफ यू यूज द चैट जीपीटी एंड हाउ टू यूज इट राइट, चैट जीपीटी एज आई एम लॉग इन सो यू कुड सी माई नेम. इफ आई एम नॉट लॉग इन यू कुड एबल टू सी दिस काइंड ऑफ लॉग इन पेज, सेटअप योर लॉग इन और मे बी कुड एबल टू लॉग इन विथ, आपके पास अगर गूगल अकाउंट है, आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है और एप्पल अकाउंट है, कुछ भी है. मेरे पास गूगल अकाउंट है, मैं गूगल अकाउंट के थ्रू से कर रहा हूँ एंड इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ वेरीफिकेशंस. मे बी आपका फर्स्ट टाइम होगा तो यू कुड वेरीफाई हाउ इट्स वर्क, बट दैट इज चैट जीपीटी. देर इज दिस वर्जन वट यू आर यूजिंग, ये फ्री वर्जन है और इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो. सो फ्री वर्जन में लिमिटेशन है, देर इज अ लिमिटेशन ऑफ क्वेश्चन, आप कितना क्वेश्चन पूछ सकते हो चैट जीपीटी को एंड स्पीड कितना स्पीड रहेगा, बिकॉज सर्वर में जब लोड रहेगा ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करेगा और या दैट्स इट लाइक. एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चंस, आप हार्डली 8-10 क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, तो देन इट विल बी स्टॉप फॉर दैट डे. रात को 12 बजे के बाद फिर आपको आपका कोटा मिल जाएगा. सेकेंडरीली वन मोर थिंग इज लाइक कॉकपिट, इट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉकपिट. आपको अगर नाम याद नहीं है आप गूगल में चले जाओ, जाके बोलो सॉफ्ट AI, नॉर्मली आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कॉकपिट. आपको इसमें क्लिक करना है इंग्लिश, कॉकपिट ऐप हमें डाउनलोड नहीं करना है, यू कैन डाउनलोड इट इन योर मोबाइल फोन बट वी कुड स्टार्ट द फ्री वर्जन. इसमें इसमें बेनिफिट क्या है, कॉकपिट इज डिजाइन एंड डेवलपमेंट सपोर्टेड बाई चैट जीपीटी ओनली. जो कॉकपिट था, जो बैकग्राउंड है, कॉकपिट कैसे काम करता है, चैट जीपीटी काम करता है. अगर आपका कोटा स्टिल इसमें फुल है तो आप चैट जीपीटी से भी सर्च कर सकते हो, मतलब इट हो सकता है आपके दिन में बहुत सारे क्वेश्चन है, चैट जीपीटी आपका फुल है, आपको वेट करना है, तो यू कैन यूज द सेकेंड वर्जन ऑफ द चैट जीपीटी जो माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी अडोप्टेड, बिकॉज चैट जीपीटी को बहुत सारे एप्लीकेशन अडोप्ट कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में चैट जीपीटी काम करता है बट ऊपर नाम दूसरे किसी का रहता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को एडॉप्ट किया, तो इसमें भी आप सिमिलरली सर्च कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो फोटो देखते हो, मतलब आप एआई जनरेटेड फोटो भी क्रिएट कर सकते हो एक्चुअली, मतलब अगर आपके पास कुछ प्रेजेंटेशन, उसके लिए आपको आज कुछ स्पेशल फोटो चाहिए, नॉर्मली क्या ना कॉपीराइट फोटो, आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है, गूगल से डाउनलोड नहीं करता है, स्टिल दिस ऑप्शन लाइक कैन गिव ए प्रॉम्प्ट लाइक कैन यू उसको बोलो तुम मेरे लिए एक इमेज बनाओ जहां पर एक माइक्रोब जो है वो डांस कर रहा है फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम में, एंड यू कैन एबल टू सी लाइक यू नो बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट इट्स जनरेटेड इमेज एंड दिस इमेज इज कॉपीराइट फ्री, लाइक ये आपके लिए स्पेशल है एक्चुअली, ये पहले नहीं था, अभी बना है एक्चुअली. आप फिर प्रॉम्प्ट दोगे तो ये डिफरेंट बनाएगा, तो जितने बार भी बनाएगा डिफरेंट डिफरेंट बनाएगा एक्चुअली, तो क्वाइट फनी है. आप अगर कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है या कुछ स्पेशली कुछ ऐसा कुछ फोटो डिजाइन करना है तो आप उसको अगर सही से प्रॉम्प्ट दोगे तो ये सर्च कर देगा. तो ये क्या कॉकपिट. नाउ थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज जेमिनाई. जेमिनाई इज अगेन इट्स AI applications. जेमिनाई है ये, इट्स सपोर्टेड बाय गूगल, तो ये गूगल ने डेवलप किया है. इवन जेमिनाई के अंदर भी आपका अपग्रेडेड ऑप्शन है, आप नॉर्मल फ्री वर्जन भी जा सकते हो और
उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। तो मैं ये तीन ऑप्शंस क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट्स मे हैपन लाइक आप कितना कितना सर्च कर रहे हो और कितना आपको फ्री एप्लीकेशन चाहिए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ये सर्च कर सकते हो, एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू रिलेटिवली सिमिलर काइंड ऑफ आंसर। थोड़ा बहुत प्रिसिशन डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ये अलग अलग डेटाबेस सर्च करके तो जो प्रॉम्प्ट है उसको डिजाइन करता है, लाइक प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये आपको रेस्पॉन्ड करेगा। सो इट मे हैपन, सो इट्स बिट डिफरेंट हाउ यू कंस्ट्रक्ट द आंसर फॉर यू, बट स्टिल इट विल वर्क। सो मेरे लिए कुछ प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने ट्राई किया है। सपोज आपको अगर दिखाना है, सपोज आप ऐसे एक मैंने कुछ प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख के रखा है, तो सपोज आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है, जैसे हाँ डिफरेंस बिटवीन क्लीन रूम एंड फार्मास्यूटिकल आइसोलेटर, एंड ये प्रॉम्प्ट को अगर आप डायरेक्टली इसमें डाल दोगे एंड उसके बाद सर्च करोगे, तो ये पोटेंशियली विल स्टार्ट सर्चिंग द डेटाबेस, एंड इसके हिसाब से ये आपके क्वेश्चंस को रेडी कर देगा, मतलब जो जो रिस्पॉन्ड है रेडी कर देगा। तो ये है वेरी बेसिक, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, कभी कभी होता है ना हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है एंड हम लोग सोचते हैं किसको पूछना है, देन पीपल विल जज बेस्ड ऑन आवर क्वेश्चन, जैसे ये कितना सिली क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन को कुछ मतलब ही नहीं है, बट सो इन दैट केस आप चैट जीपीटी को पूछो एंड इट विल गिव लाइक कपल ऑफ आंसर्स, जैसे ये आंसर मिला तो आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो जाएगा, ओके ये ऐसा होता है, देन यू कैन बिल्ड अप ऑन दैट, सो यू डोंट ट्रस्ट ऑन चैट जीपीटी ब्लाइंडली। इफ यू सी चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक एंड चेक द इंफॉर्मेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक चैट जीपीटी कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है, आपका डेटाबेस से लेता है ना, मतलब जो इतना डेटा पुल है, समुंदर है अपने अपने इंटरनेट में, तो उसमें से पुल डेटा लेता है, तो ऐसा कुछ ऑलवेज गारंटी नहीं है सारे सोर्स ऑथेंटिकेटेड है, तो बट रिलेटिवली ये जो सर्च वो करता है और जो इन्फॉर्मेशन लेके लाता है ये काफी हद तक करेक्ट है, राइट। सो आप एवरी प्रॉम्प्ट के अंदर आप चाहो तो कुछ ऑप्शन है, आप इसको कॉपी करो, कॉपी करके आप वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हो, तो आप रीड लाउडर भी कर सकते हो, उसको क्लिक करोगे तो पड़ेगा आपके लिए, आप सुन सकते हो उसको, एंड देन ये रीजनरेट का ऑप्शन, आपको ये आंसर अगर पसंद नहीं है तो यू कुड एबल टू रीजनरेट द ऑप्शन, सो ओ और एक बार से आपको जनरेट करके देगा सेम आंसर्स, देन आप उसको थम्स अप बटन के साथ लाइक कर सकते हो, तो इसमें क्या है उसको पता चल जाएगा ना ये जो आंसर उसने जनरेट किया ये बिट अब सही है, मतलब आपके लिए, तो ये वो स्टैंडर्ड सेट करता है अपना, जैसे जैसे आप लोग इसको करेक्ट बोलते हो तो उसको लगता है नहीं ये आंसर करेक्ट है, तो चलो दिस इज फीडबैक एक्चुअली, एंड अगेन दिस इज लर्निंग एंड ट्रेनिंग मोड में है चैट जीपीटी, सो स्टिल इट इज एक्वायर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू एक्चुअली टू रेक्टिफाई द डाउट्स और द क्लैरिफिकेशन, और यू कैन से द बैड रिस्पॉन्स, तो उसको पता चलेगा ये जो रिस्पॉन्स जेनरेट किया वो सही नहीं है एक्चुअली, एंड दिस इज ऑप्शन ऑफ द चिट द मॉडल, लाइक इट्स इज फॉर योर डेली टास्क, दिस इज फॉर द फर्स्ट टेस्ट, मीनिंग ये शॉर्ट प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा, ये थोड़ा सा लार्ज प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा, तो आप इधर भी चेंज कर सकते हो और इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको पूछना है सपोज क्वेश्चंस, सपोज व्हाट इज मीडिया फिल एम ई डी आई ए, व्हाट इज मीडिया फिल इन फार्मास्यूटिकल एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग, बोल देना अच्छा है बिकॉज मुझे पता नहीं मीडिया फील और भी इंडस्ट्री में होगा शायद, बट जो इंडस्ट्री के लिए आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए आप पूछ सकते हो, एंड आप उसको लिमिट भी कर सकते हो रेस्पॉन्ड इन 100 वर्ड्स। सो ये जो रेस्पॉन्ड चैट जीपीटी क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन 100 वर्ड ही करेगा, अदरवाइज आप 100 वर्ड नहीं लिखोगे तो पूरा पन्ना लिख देगा एक्चुअली, मीडिया फील क्या है, क्या होता है, कहाँ पर है, ठीक है ना, ये सब देन हम लोग इसको बोल सकते हैं कैन यू लिस्ट आउट गाइडेंस, तो जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया तो उसने लिस्ट आउट करना चालू कर दिया, बोल रहा है चलो ये सेव ये 2004 सितंबर का गाइडेंस देख लो, यू एनेक्सर का एनेक्सर 1 देख लो, आईएसपी का वॉल्यूम 3 देख लो, डब्ल्यूएचओ का 961 देख लो जो ऑस्ट्रेलिया गाइडेंस है, पिक्स देख लो, PDA 22 देख लो, तो काफी एफिशियंट है, मतलब ही एबल टू फाइंड आउट व्हाटएवर द
references we have for MediaFill. मैं नहीं बोलूंगा दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट, बट जिसको कुछ पता नहीं है एंड यू नीड टू स्टार्ट डिगिंग आउट, आपको एक लिस्ट बनाना है, तो कंप्रिहेंसली ये आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा ये पोटेंशियलिटी है, ये लिस्ट है, आप यू कैन लिस्ट इट आउट. एंड दिस इज नॉट ओनली द क्वेश्चंस आंसर, हम लोग अभी एक नेक्स्ट लेवल आप में भी जाने वाले हैं. ये हो गया क्वेश्चंस, हमें समझ में आ गया. चलो हम गूगल में सर्च करते हैं, बहुत सारा लिंक आता है, इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्टली समराइज करके आंसर देगा. सो नॉट नॉट ओनली दैट, आप अगर कोई इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हो, सपोज देयर इज इन्वेस्टिगेशन लाइक MediaFill फेलियर, आपको जानना है मतलब चलो MediaFill फेलियर में कैसे इन्वेस्ट करते, क्या क्या देखना चाहिए थे. सो ये प्रॉम्प्ट मैंने अभी जस्ट नाउ थोड़ा देर पहले ट्राई किया, तो जैसे हमने ये प्रॉम्प्ट डाला तो ये स्टार्टेड लाइक जनरेटिंग लाइक ओके दिस इज इन्वेस्टिगेशन दैट दिस इज सपोज योर इमीडिएट एक्शन क्वारंटाइन प्रिलिमिनरी असेसमेंट देन गैदरिंग द डेटा, आपको कौन कौन सा डेटा गैदर करना है, इस बैचलर को रिव्यू करना है, पर्सनल का इंटरव्यूज लेना है, इन्फॉर्मेटिव मॉनिटरिंग का डेटा चेक करना है, हिस्ट्रिकल डेटा चेक करना है. तो ये काफी इंप्रेसिव है, मतलब आपको एक इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन बनना है, काफी काफी नया इन्वेस्टिगेशन है, आपको थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस चाहिए. कभी कभी क्या होता है ना, आपको यू नीड ए ब्रेनस्टॉर्मिंग राइट फॉर डूइंग समथिंग फॉर न्यू फैक्ट, कुछ न्यू फेल्यूर आया है, तो यू कैन गो एंड स्टार्ट डूइंग योर ओन असेसमेंट. एंड आप प्रॉम्प्ट डालो एंड इट विल गिव यू एटलीस्ट द बेसिक असेसमेंट फ्रॉम द चैट जीपीटी व्हिच विल बूस्ट योर योर डिस्कशन पॉइंट एंड बूस्ट योर द वे आपको ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट बनाना है, ये जैसे आपको इन्वेस्टिगेशन बनाना है, तो यू कैन ब्रेनस्टॉर्म विद चैट जीपीटी वेरी इजीली. सो ये दूसरा हिस्सा गया. तीसरा है सपोज लाइक आपको आपको इंटरव्यू लिख के रेडी करना है, आप बोल सकते हो दिस इंटरव्यू आई एम जस्ट अपियरिंग, कैन यू हेल्प मी विद द क्वेश्चन आंसर, और व्हाट आर द पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू, आई एम लुकिंग फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस अराउंड द स्टरिलाइजेशन लाइफलाइजेशन क्लीन रूम्स आइसोलेटेड, तो आपको स्पेसिफिक कैंड के देना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा सो कैन यू कैन टेल मी टेल पोटेंशियल एक्शन, तो उसी हिसाब से वो क्वेश्चन आंसर बनाएगा. सपोज आपको और भी इजी प्रॉब्लम देना है लाइक मैं बोलता हूँ जैसे मॉइस्चर स्टरिलाइजेशन है, मैं उसको बोलता हूँ कुछ क्वेश्चन हमें बताओ जिसमें फोर ऑप्शंस होंगे और एक इनकरेक्ट होगा, लाइक तीन इनकरेक्ट होगा एक करेक्ट होगा, तो ऐसा करके हम अगर इसको प्रॉम्प्ट डाल देंगे तो देखना इट स्टार्टेड जनरेटिंग द क्वेश्चंस राइट. तो जैसे मैंने इसको डाला ऑटो क्लिक का क्वेश्चन बताओ भाई मुझे जिसमें चार आंसर होना चाहिए एक करेक्ट होना चाहिए, तो उसको मेंशन करके दो, तो उसके क्वेश्चन बनाया, तीन क्वेश्चन बनाए, देखो तीन क्वेश्चन बनाया और उसके अंदर उसने बोल्ड करके दिया जो करेक्ट है, नीचे मेंशन भी करके दिया जैसे कौन बताओ कौन सा टेम्परेचर एंड प्रेशर कम्बिनेशन करेक्ट है स्टिलेशन के लिए, तो 100 डिग्री 110 डिग्री 134 फॉर 50 मिनट 20 PSI, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड इट इट मे हैपन. ये भी हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर के ना कंफ्लिक्टिंग हो, मतलब लग रहा है दो क्वेश्चन सही हो सकता है, तो उस केस में आप उसको स्किप करो या आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, मतलब ऐसा डोंट रिलाई ऑन द चैट जीपीटी एवरीथिंग, वो करेक्ट करके देगा एक्चुअली. तो अभी बोला है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ द मॉइस्चर इंस्टॉलेशन लाइक हाउ द वे इट किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म, सो सो मोस्ट एप्रोप्रिएट है डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन राइट, सो इसमें हो सकता है इट कुड इंटरफेयर द डीएनए एज वेल एंड एंड डिहाइड्रेट सेल वेल एज वेल, लाइक हो आपको लग सकता है ये कुछ रिलेटिवली क्लोज आंसर है, बट उसको लग रहा है ये राइट आंसर है, बट आपको अगर लग रहा है ये दैट कुड क्रिएट अ कंफ्यूजन, आप जब क्विज कंपटीशन कर रहे हो तो यू कुड स्किप दिस काइंड ऑफ डिस्कशन. सो इधर देखो जैसे आप बोल रहे हो व्हिच इज द मोस्ट फॉलोड ऑर्गेनिज्म जो यूज होता है, तो जी बैसिलस थर्मोफिलस, बट मैं बोलूंगा तो बैसिलस सबक्लिस भी यूज होता है इन सर्टेन केसेस में, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप, बट मोस्ट पॉपुलर बोलोगे तो जीवस, बट अगर किसी ने दोनों का ही नाम मेंशन किया तो इट्स नॉट रियली रॉन्ग एक्चुअली. सो जैसे मैंने बोला मतलब यू कैन यूज सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट इन इन कॉकपिट एज वेल, आपको अगर कॉकपिट ने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछने जो हमने पूछा था इधर डिफरेंस बिटवीन क्लीन रूम एंड मेक ए कंपेरिजन, सो आप इसको भी पूछोगे तो सिमिलर ही आंसर देगा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट इसका बेनिफिट क्या है कॉकपिट थोड़ा सा रेफरेंस देता है एक्चुअली एंड में, मतलब जब लिखता है तो रेफरेंस देता है कहाँ से इसने ये रेफरेंस उठाया, तो ये काफी अच्छा चीज है, मतलब आप देखोगे ये जो टेबल इसने बनाया है इसने बोल दिया PDS रेफरेंस लिया फार्मा आउट कुछ एसो फार्मा क्लीन रूम ऐसे 7 7 सोर्सेस से इसने ये डेटा लिया, और देयर इज अ बटन ऑफ द एक्सेल, आप इसमें क्लिक करोगे तो ये सारा डिटेल आपका एक्सेल में चला जाएगा.
और अदरवाइज यू कैन कॉपी फ्रॉम हेयर और डाउन एक्सपोर्ट फ्रॉम हेयर और शेयर इट. आपको अगर किसी को रिप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो, प्लस लाइक एंड कॉपी भी कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी है. तो सिमिलर इन द जिमिनी एज वेल, जब मैंने जिमिनी में सर्च किया तो जिमिनी भी सिमिलर काइंड ऑफ रेस्पॉन्स क्रिएट किया. चलो, सो एज इट इज काफी फैसिनेटिंग है ये. यू मस्ट चैलेंज देयर एबिलिटीज, मैं बोल सकता हूँ. ये जो सर्च इंजिन है, एआई बेस्ड इंजिन है, आप इसके एबिलिटी को चैलेंज कर सकते हो. आपके क्वेश्चंस, आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करके, अपार्ट फ्रॉम द, आप अगर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, यू कैन टेल लाइक ओके आई नीड टू प्रेजेंट समथिंग ऑन द लाइफ रिलेशन, कैन यू मेक इट लाइफ फॉर 5 और 6 स्लाइड. तो सब देखो, जब मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला तो उसने इसने डिजाइन कर दिया. ओके, फर्स्ट स्लाइड में आप क्या डालो, आप डिटेल डालो, आपका नाम डालो, डेट डालो, ओवरव्यू डालो. सेकंड स्लाइड में आप क्वालिफिकेशन के बारे में डालो, आईक्यू ओक्यू डालो. थर्ड स्लाइड में आप लो आईक्यू, स्पेसिफिकली आईक्यू के बारे में बोलो. फोर्थ स्लाइड में आप स्पेसिफिकली ओक्यू के बारे में बोलो. फाइव स्लाइड में आप ईक्यू के बारे में बोलो. थोड़ा बहुत उसने टेस्ट भी बोल दिया, डेमोन्स्ट्रेट दैट द लाइफ लेजर कैन कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट मीट द स्पेसिफिकेशन. सो ये बेसिक है, बट उसने हेल्प करने की कोशिश की, मतलब कैसे आपका स्लाइड होना चाहिए. आप बोल सकते हो मुझे 10 स्लाइड बना के दो, आप 15 स्लाइड बना के दो, आप कंक्लूशन लिख के दो, आप मुझे बताओ शुरू में मुझे क्या बोलना है, हाउ टू एड्रेस द पीपल. तो मैं ऐसे फोरम में बात करने वाला हूँ जहां पर इंडस्ट्री प्रोफेशन आएंगे, 50 लोग आएंगे. सो कैन यू राइट अप अ स्पीच ऑफ 100 वर्ड्स, वो आपको स्पीच भी बना के देगा. तो मैं बोलूंगा यू शुड जंप एंड ट्राई टू चैलेंज द एफिशिएंसी ऑफ दिस काइंड ऑफ टूल, इट्स क्वाइट रियली हेल्पफुल. आज के दिन में आपको अगर आपका जो फास्ट लेवल ऑफ फ्रेंड है ये एआई है, आप इससे डिस्कस करो, ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म. 100% चीज करेक्ट नहीं होता है, गो एंड चेक द बैकग्राउंड और चेक द राइट रेफरेंसेस, बट पोटेंशियली इट्स गिव यू ए वेरी गुड फ्रेमवर्क to start your activities. Thank you very much. I think this information, what you discussed during this meeting, is quite helpful for you. Let me know if you have any questions and if you need any help around. Thank you very much. See you guys. Bye.